इनवर्स एक्स इज, इसकी रेंज बतानी है हमें, साइन इनवर्स एक्स। मेन जो इसमें आपके क्वेश्चंस हैं वो या तो ज्यादातर वैल्यूज वाले हैं कि मतलब जैसे आपको गिवन होगा साइन इनवर्स -√3/2 या साइन इनवर्स √3/2, ये वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करना है, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले क्वेश्चंस हैं। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स। ये हमें गिवन है, हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, एंड द ऑप्शंस आर π/4 to 3π/4, देन क्लोज इंटरवल π/4 to 3π/4, देन π/4 to 3π/4 इन द ब्रेसेस, एंड ऑप्शन बी नन ऑफ दीज। साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है दैट इज -1 to 1, देन टैन इनवर्स एक्स का -∞ to ∞ एंड सीकेंट इनवर्स एक्स का -∞ to ∞ उसमें से माइनस कर देते हैं -1 to 1। ठीक है, सो ये हमारे पास डोमेन्स आ गए। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हम लेके चलेंगे, जो हमारा हम कह सकते हैं कि कॉमन बनेगा इनमें से, साइन इनवर्स एक्स का -1 to 1 था, ये -∞ to ∞ और ये -∞ to ∞ -1 to 1। तो इनका जो कॉमन वाला बना डोमेन दैट इज -1 to 1, हमें क्या निकालनी है, हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या बनेगी, -1 पुट करो और +1 पुट करो, क्या आएगा -1 पुट करने पे, साइन इनवर्स -1, साइन टैन इनवर्स -1, सीकेंट इनवर्स -1, व्हाट विल बी दैट इक्वल टू, साइन इनवर्स -1, टैन इनवर्स -1 एंड सीकेंट इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 इज -π/2 हो जाएगा, देन टैन इनवर्स -1 इज -π/4 हो जाएगा, और सीकेंट इनवर्स -1 इज, सीकेंट की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, पाई पे, तो फिर वैल्यूज क्या हो गई आपकी, -π/2 -π/4 +π। सिंप्लीफाई कर लो इसको, यू विल गेट द वैल्यू एज π/4। सेम वे में अब क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स 1 π/2, टैन इनवर्स 1 π/4, सीकेंट इनवर्स 1, -1 होती है उसपे, तो कॉस की वैल्यू 1 कहां पे होती है, 0 पे, तो सीकेंट की भी 1 0 पे होगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, जब आपने इसको 1 पुट किया तो π/2 +π/4 कितना आएगा, ये 3π/4, यानी कि दिस ऑप्शन इज योर आंसर। गॉट इट, सबसे पहले आपने इनका डोमेन चेक कर लिया, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स का, उसका कॉमन पार्ट आपने लिया क्योंकि तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए वो, तो दैट इज -1 to 1। अब रेंज निकालने के लिए -1 पुट किया एंड देन 1 पुट किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस बच्चे आप लोगों को नहीं करवा रही हूँ। अब नेक्स्ट है, वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉरेस्पॉन्ड टू, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π। ठीक है, तो 0 to π के अलावा जो है आपको इसकी ब्रांच बतानी है, एंड द ऑप्शंस गिवन टू यू आर π/2 to 3π/2, π/2π -3π/2
नेक्स्ट इज 0 टू पाई, नहीं हाँ 0 टू पाई, एंड द लास्ट वन इज 2 पाई टू 3 पाई. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा जो ब्रांचेस होती हैं, मतलब वहां पे वो रिपीट कर रहा होता है अपने आप को, तो क्या आएगा इसमें से? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस 0 टू पाई. अगर मैं इसको एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन अगेन इनमें लाई कर रही है? यस, इट्स 2 पाई टू 3 पाई. यहां ये 2 पाई हो गया, तो अगेन 2 पाई टू 3 पाई जो है दैट विल सेटिस्फाई. सो ऑप्शन डी इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2. बाकी इसी तरह के क्वेश्चन है, एक दो मैं बस करवा रही हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल डू योरसेल्फ एज ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज इज देयर इन योर सिलेबस, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस आर डिलीटेड. सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में मोस्टली वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन थे, सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर टू डू. असम्पशन रीजनिंग के मैं करवाऊंगी अभी. साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2, दिस इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके पास. माइनस 2 पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3. माइनस 2 पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3. साइन इनवर्स माइनस रूट 3 पाई बाय 2. साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज, ये सारे फॉर्मूले अगर लर्न होंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू डू. जब लाई करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो दिस इज माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2 क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2. नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू? साइन की वैल्यू रूट 3 बाय 2 कहां पे होती है? हाँ, 60 यानी कि पाई बाय 3 पे. तो क्या आएगा? माइनस पाई बाय 3. सो योर ऑप्शन विल बी बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाइज द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2. ट्रिपलेट्स हमें गिवन है एक्स वाई जेड, तो ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 को. तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जो है दैट विल बी 1, 2, 0 और इनफाइनाइट. हाँ जी, क्या आएगा? नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स मींस कौन सा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड. साइन की अगर हम देख के चलें तो मैक्सिमम क्या मिलती है हमें वैल्यू किस पे? किस पे? पाई बाय 2 पे. यानी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम पाई बाय 2 हो सकती है, सेम वे में इसकी भी पाई बाय 2, सेम वे में इसकी भी पाई बाय 2. तो क्या आएगा? हाँ जी, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, हाँ 1. तो 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा? 3 टाइम्स. तो ये वाला जो है ट्रिपलेट्स था 3 टाइम्स हो गया, नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 1. तो योर ऑप्शन विल बी ए. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x माइनस 1. डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2x माइनस 1.
जीरो टू वन माइनस वन टू वन then open interval minus 1 to 1 and 0 to pi. Hame given hai cos inverse 2x minus 1. To cos inverse theta jab hame given hota hai, to theta ki value kahan se kahan lie karti hai? Minus 1 se plus 1 ke beech mein. To 2x minus 1 ki value kahan se kahan lie karegi? Minus 1 se 1 ke beech mein. To what will be the values of x? क्या आएंगी वैल्यूज? हाँ जी, हाँ इधर माइनस वन है प्लस वन कर देंगे तीनों में, तो दिस विल बिकम जीरो, देन टू एक्स एंड देन टू. तो यस वेरी गुड, तो इट विल लाई बिटवीन जीरो टू वन. सो ऑप्शन ए इज योर answer. Now the next. अच्छा same way में जैसे हमने ये की है, इसी तरीके से हमारे पास है cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 3 pi. If cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 3y, then we are to find the value of alpha x into y plus z, y into x plus z, z into x plus y. Find the value of this. अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई थी? वन आई थी. साइन मतलब कि जो वैल्यू थी वो पाई बाई टू के मैक्सिमम थी, तो वैल्यू उसकी हमारे पास वन आ गई थी. अब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू थ्री पाई, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? हाँ जी, थ्री पाई चाहिए मुझे, यानी कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई होगा. मैक्सिमम पाई से आगे जा ही नहीं सकता वो. cos इनवर्स y आल्सो पाई, cos इनवर्स z आल्सो पाई, तभी वो 3 पाई के इक्वल बनेगा. अब cos इनवर्स x इज इक्वल टू अगर पाई है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो गई, तो x cos पाई क्या होते हैं? दैट इज माइनस वन. ठीक है, सेम y, सेम जेड. अब वैल्यूज पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर 6. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये assertion reason वाले questions हैं. ऑप्शंस आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ. स्टेटमेंट वन इज, ये ऑप्शन ए है. स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन. सेकेंड ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन. थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू. अब जो assertion मुझे गिवन है, यानी कि जो स्टेटमेंट मुझे गिवन है यहाँ पे, स्टेटमेंट वन, दैट इज वैल्यू ऑफ साइन साइन ऑफ टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री प्लस कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इज वन. वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू वन है. मुझे इस स्टेटमेंट को चेक करना है कि क्या वो सच में वन है या नहीं है. उसके बाद जो रीजन दिया मुझे, या स्टेटमेंट टू जो उसने दी, दैट इज टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. क्या करें? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होते हैं?
माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो रीजन गलत हो गया, ठीक है। अब रीजन फॉल्स हो गया, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेदर इट इज इक्वल टू वन और नॉट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री क्या बनेगा, पाई बाय थ्री, और टैन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टैन इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस पाई बाय थ्री प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू रह गया वहां पे। रूट थ्री बाय टू कहाँ पे वैल्यू होती है उसकी, कॉस में। हाँ 60 साइन में होती है, साइन में होती है। ये कंफ्यूजिंग है, वैल्यूज आपकी ध्यान रखिएगा, क्या आएगा पाई बाय सिक्स, क्या आएगा अब इसको सिंप्लीफाई करके, क्या पाई बाय थ्री और पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री 60, पाई बाय सिक्स 30, 60 30 90 हो गया, 180 में से माइनस करोगे तो दैट इज 90, साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू इज 1, यही गिवन है हमें, यानी कि assertion, assertion हमारी ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में जो हमें स्टेटमेंट गिवन है दैट इज 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 साइन इनवर्स एक्स अब इसमें ये वाले जो हैं आपके 10th वाले कंसेप्ट भी यूज हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे आपका फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। सो दिस इज 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इफ ये है देन एक्स हैज 2 सॉल्यूशंस। अब आपने ये नहीं करना है यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो 2 सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे और बिना इसको सॉल्व किए कर लो, ये चीज का आपने ध्यान रखना है, क्या आएगा। अच्छा रीजन भी है इसमें, रीजन इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू। फर्स्ट जो है assertion आप उसको सिंप्लीफाई करो, देखो स्टेटमेंट टू तो जो है यानी कि जो रीजन है दैट इज ट्रू, ये रीजन आपका ट्रू है, व्हेनेवर एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, तो आपकी जो साइन ऑफ माइनस एक्स की साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्स। नाउ वी आर टू चेक द assertion, रीजन जो है दैट इज करेक्ट। अब assertion में दिस इज टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रही हूँ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक, माइनस बी, तो माइनस फाइव है यहाँ पे तो प्लस फाइव हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि टू एंड टू, टू टू जो फोर एंड फोर 16 बाय फोर, सो दिस इज फाइव प्लस माइनस थ्री बाय फोर, क्या वैल्यूज आ गई, एक बार प्लस के साथ लोगे एक बार माइनस के साथ लोगे, व्हेन यू विल टेक इट विद द पॉजिटिव वैल्यू तो 5 प्लस 3 8 बाय 4 इज 2 और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जब आप इसको माइनस के साथ लोगे तो 2 बाय 4 दैट इज 1 बाय 2। अब साइन इनवर्स एक्स जो है दैट इज 2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यूज हैं दैट लाइज बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1, ठीक है, तो 2 रिजेक्टेड 1 बाय 2, यानी कि इट हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, तो स्टेटमेंट जो assertion है दैट इज फॉल्स। हां जी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके किए,
जैसे मर्जी कर। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं, दिस इज अ केस स्टडी, और इस तरह का क्वेश्चन आपने 10th में किया हुआ है। दिस इज योर, दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव डन इन दिस चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सेम उन्होंने यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिंक कर दिया, बट मेथड आपका वही 10th वाला ही फॉलो करेंगे। टू पर्सन्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ टेम्पल ऑफ 60√3 meters हाइट ऑब्जर्व इट्स टॉप एंगल। दो पर्सन हैं ऑन ईदर साइड ऑफ अ टेम्पल, तो ये मैंने टेम्पल डिस्प्ले कर दिया। टेम्पल की जो हाइट है दैट इज गिवन टू बी 60√3। एक पर्सन जो है ही इज स्टैंडिंग ऑन दिस साइड एंड द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस साइड, ऑन ईदर साइड, क्योंकि हमें गिवन है। फिर से सुनो, टू पर्सन ऑन ईदर साइड ऑफ अ टेम्पल, तो ये मैंने पर्सन ले लिए पी एंड क्यू। दे हाइट टेम्पल की गिवन है 60√3 meters, ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा एंड फाइ रिस्पेक्टिवली। वो टेम्पल की टॉप को ऑब्जर्व करते हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड फाइ रिस्पेक्टिवली। तो एक पर्सन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज थीटा, जो सेकेंड पर्सन से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज फाइ। आफ्टर दैट ही इज सेइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन इज 240 meters। ये दो पर्सन के बीच में 240 meters डिस्टेंस हो गया। And distance between the first person and the temple. This is the first person, this is the temple, that is given to be 60 meters. Based on the above information, give the answers of the following questions. Question number 1 hai hamara. Angle RPQ. This point is R. Kyunki figure mein wahan given hai, toh let us take the points according to that only. Tabhi aap questions kar payenge. This point is O. So angle RPQ is equal to theta, ये हमें find out करना है। Options जो हैं वो हमें given है, sin inverse 2√3, option B हमें given है sin inverse 1/2। अब देखो इसमें options जो हैं वो आपके inverse के form में given है, तो it means जैसे आप 10th में questions करते थे वैसे find out करना है आपने। उसके बाद आप check कर लोगे कि यहाँ पे वो कौन सी value आपकी satisfy हो रही है, कौन सी जो ऑप्शन है आपकी वो सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो एंगल कौन सा निकालना है मुझे, आर पी क्यू, दिस इज योर आर पी एंड दिस इज क्यू, यानी कि आई हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा। अब थीटा फाइंड आउट करना है, तो एंगल आर पी क्यू जो है दैट इज सिमिलर टू दिस ओपी क्यू। अब मैं इस ट्राइंगल में आ जाऊंगी ओपी क्यू में, यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर गिवन है थीटा के ऑपोजिट, बेस गिवन है, तो टेन थीटा दैट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर 60√3/60, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब मुझे जो वैल्यूज बतानी है वो साइन इनवर्स की फॉर्म में शेयर करनी है, तो टेन थीटा √3, यानी कि थीटा आ गया मेरे पास 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री, इसमें से साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या होती है, साइन 60 इज √3/2, यानी कि साइन इनवर्स √3/2 विल बी योर आंसर। क्लियर? तो ये मेथड हमने वही 10th वाला लगा के थीटा निकाल लिया और आंसर हमने इस वे में चेक करना है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, सेकंड में वो हमें कह रहे हैं कि एंगल आर पी क्यू इज कॉस इनवर्स, सेम एंगल है, अभी ऑप्शन हमें कॉस की टर्म्स में गिवन है, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 2/5, कॉस इनवर्स √3/2 और कॉस इनवर्स 4/5। अब कॉस में 60 डिग्री जो है दैट वैल्यू इज 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2, यानी कि ऑप्शन A will be your answer. Now, next, angle QRP is 5. अब थर्ड में हमें QRP यानी कि 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड ऑप्शंस आर tan inverse 1/2,
tan inverse 2, tan inverse 1 by root 3, and tan inverse root 3. अब tan मतलब perpendicular and base. अब ये total length जो है वो हमें 240 given थी, this length is 60, तो ये remaining कितनी रह गई आपकी 180 meters. अब आपके पास perpendicular है, आपके पास base है, you can find the tan of the angle. तो ये आ जाएगा आपके पास tan phi is equal to root 3 upon 3, 1 by root 3, हाँ जी ठीक है बिल्कुल. तो tan theta is equal to 1 by root 3, तो phi है ये, tan phi is equal to 1 by root 3, तो this is tan inverse 1 by root 3, यानी कि option C जो है, that is your answer. Now the fourth, you are to find out angle PQR. Angle PQR आपको find out करना है. Options are pi by 4, pi by 6, pi by 2, pi by 3. हाँ जी, कैसे? हाँ जी, ये angle हमने 60 निकाला, ये angle हमने 30 निकाला, तो the third angle sum property से will be 90 degree, that is pi by 2. उसके बाद domain and range of tan inverse x. डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन और रेंज tan inverse का. डोमेन कोई भी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है. रेंज ऑप्शंस दूं, याद होनी चाहिए ये तो. ए ऑप्शन है आर डोमेन है और माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. ये बताया वैल्यू ब्रांच जो है वो हमें साइन के केस की गिवन है. तो वी आर टू फर्स्ट क्वेश्चन में वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड नहीं करनी वैसे तो ये हमें पता ही होती है, साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2. ऑप्शंस आर पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6, pi by 3 and minus pi by 3. Sin inverse minus 1 by 2. That is minus sin inverse 1 by 2. 1 by 2 कहाँ पे होती है? Pi by 6 पे. 6 पे. So this is minus pi by 6. Next है, find the principal value of tan inverse minus root 3. Options हैं minus pi by 3, pi by 3, pi by 6 minus pi by 6. हाँ जी,
पाई बाय थ्री, नेगेटिव है साथ में, हाँ जी माइनस पाई बाय थ्री। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू, ऑप्शन पाई बाय थ्री, फोर पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री एंड पाई बाय सिक्स। बिल्कुल ठीक है, टू पाई बाय थ्री। फोर्थ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, ये केस स्टडी में है बच्चे क्वेश्चन, तो यू कैन सी कि इस चैप्टर में आपके ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। आप अगर इसके सारी थियरी अच्छे से कर लेते हो कि कहाँ किसका क्या डोमेन है, क्या रेंज है, सारे इसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेते हो, तो यू कैन इजिली डू दिस। कॉट इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री, ऑप्शन पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, पाई बाय टू एंड पाई बाय सिक्स। नेगेटिव है, cot inverse minus x is minus cot inverse x, क्या आ जाएगा? नेगेटिव है means first quadrant नहीं बनेगा, बाकी तीन values आपके first quadrant में है, एक तो हमें ऐसे ही पता लग रहा है देख के, ठीक है, अदरवाइज सिंप्लीफाई कर लो उसको। पाई माइनस पाई बाय थ्री यानी कि टू पाई बाय थ्री विल बी योर आंसर। एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos inverse माइनस वन बाय रूट टू, cos इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू, और ऑप्शन है पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर एंड फाइव पाई बाय थ्री पाई बाय फोर। सो विद दिस यू आर ऑलमोस्ट वी हैव डन विद दिस चैप्टर। टुमारो वी विल डू द रिविजन ऑफ चैप्टर मैट्रिसेस, सो यू आर टू गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दैट, और इसके भी जितने भी आपके फॉर्मूले वगैरह बनते हैं दैट यू आर टू लर्न, किसकी क्या प्रिंसिपल वैल्यू है जो आपकी उसकी ब्रांच है प्रिंसिपल, दैट यू शुड नो, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर।